हेलो गाइस, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ गाइस सहजना की सब्जी चटपटी। मसाला गाइस में पड़ता नहीं गाइस, बल्कि थोड़ा मसाले की सब्जी। तो गाइस मुनगा की सब्जी बनाने के लिए गाइस मैंने ये मुनगा भी इसको बोलते हैं गाइस इसको, और इसको गाइस सहजना भी बोलते हैं। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है और ये हड्डियों के लिए रामबाण इलाज है। तो गाइस इस तरीके से आप बनाइए, और आप चाहे तो इसमें आलू भी डाल सकते हैं, बॉयल किया हुआ आलू या कच्चा आलू जो भी अवेलेबल हो आपके पास। तो गाइस इसको काटने के लिए चाकू लेंगे, और चाकू की सहायता से इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसको मैंने 2-3 पानी से धो लिए हैं, धोने के काटने के बाद भी धोना है इसको। तो इस तरीके से गाइस काटेंगे, थोड़ा सा बड़ा साइज का, इस तरीके से छोटा नहीं रहता है वो, थोड़े बड़े साइज में इस तरीके से काट लेंगे इसको, इस तरीके से। तो गाइस मिलते हैं सहजना काटने के बाद। इस तरीके से गाइस आप देख सकते हैं सहजना मैंने काट लिए हैं। तो इस तरीके से जैसे आगे की तरफ इस तरीके से चाकू से कट लगाने के बाद, और इसके जो रेसे जो हैं इस तरीके से निकाल देंगे। चाहे तो ये निकाल भी सकते हैं आप, और ये इस तरीके से बनाएंगे। चाहे तो ये मैंने आपके बीच का निकाल लिया है, और बड़े बड़े डंडी के, जो चूंकि गाइस चूस के खाए जाते हैं। चाहे तो इसमें आलू डालें तो आप इसे रोटी भी खा सकते हैं, और इस तरीके से इसको काट लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं सहजना को इस तरीके से मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे पीसों में, ज़्यादा छोटे नहीं करे हैं और ना ही ज़्यादा बड़े हैं, ताकि ये चूसने में ज़्यादा आसानी से इस तरीके से खा सकते हैं। तो अवेलेबल ज़्यादा छोटे चाहे तो कर सकते हैं इतने छोटे पीस। तो इस तरीके से अब इसको गाइस 2-3 पानी से धो लेंगे। मिलते हैं गाइस धोने के बाद। सहजनों को गाइस इस तरीके से मैंने 2-3 पानी से धो लिए हैं, और आप चाहे तो इसमें एक आलू या दो आलू जो भी आपको, और आलू डालने हो तो आप डाल सकते हैं। मैंने गाइस आलू नहीं लिए हैं। चलते हैं गाइस गैस की तरफ। गैस को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे गैस कुकर, और कुकर को गर्म करेंगे। कुकर गर्म हो चुका है, इसमें छोटा छोटा चमच ऑयल डालेंगे, कड़वा तेल। तो गैस इसमें ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम रहती है, आप देख सकते हैं समथिंग 2 टीस्पून। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें गैस लेंगे 1 चुटकी मेथी के दाने, 1/2 टीस्पून से कम टर्मरिक पाउडर, और ये मुनगे डाल देंगे सहजना, और इसको चलाएंगे। इसी में गैस आलू भी, चाहे तो कच्चा भी डाल सकते हैं, चाहे आप बॉयल वाला भी डाल सकते हैं, और स्वाद अनुसार नमक 1/2 टीस्पून से कम धनिया पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, लाल मिर्च की क्वांटिटी तो गैस कम रखनी है, तो इसमें 1/2 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च पाउडर डालना है, 1 गिलास पानी, लगा देंगे इसमें गैस 1 सीटी लगानी है, 2 सीटी नहीं। मिलते हैं गैस 1 सीटी आने के बाद, 15 मिनट के बाद। तो गैस इसमें 2 सीटी मैंने लगाई है, और लगाने के बाद एक गैस निकल चुकी है और ठंडा हो गया है कुकर समथिंग, और इसको खोलेंगे। तो गैस आप देख सकते हैं कि मुनगा की सब्जी बनके तैयार हो गई है। सर्व कर लेते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं कि मैंने सर्व कर लिया है। इसमें ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मुनगा की, इसको मुनगा भी बोलते हैं, मुनगे की और सहजना की सब्जी बनके तैयार हो गई है। गाइस बहुत ही ज़्यादा इसमें प्रोटीन होता है, और हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगर हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है तो उसमें आप अगर ये खाएंगे तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो गाइस आपको ये रेसिपी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके फायदे भी मैंने आपको बताए हैं तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और शॉर्ट्स की वीडियो मैं जो डालती हूँ उसमें भी आप देखिएगा, कम्युनिटी ऑप्शन में है, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।